Assalamualaikum. Today we will discuss the anatomy of mandible. जो मैंडिबुल होता है लेटर वर्ड से निकला है मैंडिबुला विच मीन्स जॉ बोन. तो मैंडिबुल जो है ये लोअर जॉ में आता है, हमारा लोअर जॉ बोन बनाता है, जैसे मैक्सिला है या हमारा अपर जॉ बनाता है, इसी तरह से मैंडिबुल जो है वो हमारा लोअर जॉ बनाता है. अब ये जो मैंडिबुल होता है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें एक तो बॉडी होती है इंटीरियर साइड से, ये आप जो देख रहे हो इसको हम बॉडी बोलते हैं मैंडिबुल की, और दो रैमस होते हैं लेटरल साइड से. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी बॉडी के बारे में. ये जो बॉडी होती है ये न्यू बॉर्न, इट इज कवर्ड बाय फाइबर कनेक्टेड टिश्यू एंड लेटर इट इज कन्वर्टेड इनटू बोन इन एन एडल्ट. तो जब बच्चा छोटा होता है तो यहाँ पे बीच में फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है बीच में, यहाँ पे उसको हम बोलते हैं जो बाद में कन्वर्ट होता है बोन में. बॉडी के बीच में यहाँ पे फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चे में, तो उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सिम्फिसिस मैंडी. तो बीच में फाइबर कनेक्टिव टिश्यू होता है बाद में कन्वर्ट होता है बोन में, तो उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सिम्फिसिस मैंडी. तो सिम्फिसिस मैंडी के नीचे साइड से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोटुबरेंस होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल प्रोटुबरेंस. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बॉडी के बारे में, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं. तो मैंडिबुल की जो बॉडी होती है इसमें दो सरफेस होते हैं, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस, और इसमें दो बॉर्डर है, अपर बॉर्डर या एल्वियोलर बॉर्डर, यहाँ पे जहाँ पे हमारे टीथ अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर बॉर्डर या अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर. अब आउटर सरफेस जहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे फाइब्रो कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चे में, बॉर्डर कन्वर्ट होता है बोन में, उसको हम बोलते हैं सिम्फिसिस मैंडी, और यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप एक प्रोटुबरेंस होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल प्रोटुबरेंस. अब यहाँ पे जहाँ पे हमारे दांत अटैच होते हैं, टीथ अटैच होते हैं, उसमें होते हैं कैनाइन, फिर इंसिजर्स, फिर लैटरल इंसिजर्स, फिर प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स, 1, 2, 3, 4. तो जहाँ पे कैनाइन होता है तो उसके नीचे होता है उसके लेटर साइड से होता है इंसिजर्स, तो इंसिजर्स के नीचे होता है फोसा, डिप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंसिसु फोसा. इंसिसु फोसा के बाद यहाँ पे प्रीमोलर आता है, फर्स्ट एंड सेकंड टीथ. अगर हम बात करेंगे प्रीमोलर की, फर्स्ट एंड सेकंड, जो जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर होता है उसके नीचे होता है यहाँ पे फोरामेन, उसको हम बोलते हैं उस फोरामेन को मेंटल फोरामेन, एंड इट अलाउज मेंटल फिशर मेंटल आर्टरीज एंड वेसल्स. तो यहाँ पे जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक मेंटल प्रोटुबरेंस होता है, तो यहाँ से मेंटल प्रोटुबरेंस को अगर हम लेटर साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो यहाँ से एक ओब्लिक लाइन जाती है जो हमारे एमस तक जाती है, और इस ओब्लिक लाइन के साथ अटैचमेंट ऑफ मसल्स होती है जिसमें आता है डिप्रेसर लैबी इंफीरियरिस एंड डिप्रेसर एंगुलो ऑरिस. जो यहाँ से ओपनिंग लाइन जाती है इसके साथ अटैचमेंट डिप्रेसर लेवी इंफीरियरिस एंड डिप्रेसर एंगुलो ऑरिस. अगर हम लेटर साइड से इसी ओपनिंग लाइन को देखेंगे यहाँ पे जो रैमस के इस साइड से अटैच होती है, तो यहाँ पे जो मसल अटैच होती है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रीमोलर के ठीक नीचे साइड से, तो इसके साथ बक्सिनेटर मसल अटैच होती है. तो जहाँ पे ओब्लिक लाइन आप देख रहे हो जहाँ पे बक्सिनेटर मसल अटैच होती है उसके नीचे साइड से अगर हम देखेंगे यहाँ पे लेटरल साइड से, तो यहाँ पे फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन एंड मिनिजल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व अटैच होती है यहाँ पे नीचे साइड से. तो ये था बॉडी के बारे में, मैंडिबल की बॉडी यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया. अब हम बात करेंगे रैमस की. ये जो रैमस होता है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें एक तो दो सरफेस होती है, लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस, या हम उसको दूसरा बोलते हैं आउटर सरफेस या इनर सरफेस, लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस. इसी तरह से इसमें बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर या अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर.
अब ये जो अपर बॉर्डर होता है यहाँ पे एक नॉच होती है दो कॉन्डाइल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर नॉच एंड इट अलाउज मैंडिबुलर वेसल्स एंड नर्व्स। तो यहाँ पे दो कॉन्डाइल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉन्डाइलर प्रोसेस, दो प्रोसेस होते हैं कॉन्डाइलर प्रोसेस एंड कोरोनाइड प्रोसेस। अब ये जो कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है इसमें हेड नेक होता है जो हमारा जॉइंट बनाता है किसके साथ, टेम्पोरल बोन के साथ। जो टेम्पोरल बोन में फोसा होता है मैंडिबुलर फोसा, तो ये हेड उसी डिप्रेशन के साथ अटैच होता है जो बनाता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एंड इट इज ओनली वन जॉइंट विच इज मूवेबल इन अवर सिकल। तो ये खाली एक जॉइंट होता है हमारे सिकल में जो मूवेबल होता है। तो ये जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है ये टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा से फोसा के साथ अटैच होता है, बनाता है टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे इस साइड से बैक साइड से, तो या दूसरा हम इसको बोलते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर, तो ये स्मूथ होता है और थिक होता है और इसके साथ पैराटिड ग्लैंड भी अटैच होता है। अब हम लेटर साइड से देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे हम ये आपको एंगल जैसा नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर एंगल। और ये जो एडल्ट में होता है 110 से 120 डिग्री तक, और न्यू बॉर्न में ये 140 डिग्री होता है। ये जो यहाँ पे एंगल नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर एंगल। एडल्ट में ये 110 से 120 डिग्री तक होता है और बच्चे में होता है 140 डिग्री। तो यहाँ पे बहुत सारे ये यहाँ पे मसल्स भी अटैच होते हैं, जैसे मैसेटर भी अटैच होता है, मीडियल एंड लेटरल टेरिगोइड मसल्स भी अटैच होती है इसके साथ। तो ये था हमारा रैमस। रैमस के हमने बोले थे दो सरफेसेस है, लेटरल सरफेस मीडियल सरफेस, इसी तरह से बॉर्डर अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। और यहाँ नीचे साइड से भी एक मसल अटैच होती है बॉडी के साथ, जिसको हम बोलते हैं प्लेट सीमा। तो ये था मैंडिबुल, जिसमें हमने पढ़ा कि इसमें बॉडी होती है, दो रैमस होते हैं लेटर साइड से, और बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं जैसे डिप्रेसर लेबियल इंफीरियोरिस, डिप्रेसर एंगुलर ओरिस, इसी तरह से इस यहाँ से ओब्लिक लाइन अगर हम लेटर साइड से देखेंगे यहाँ पे बक्सिनेटर मसल अटैच होती है, इसी तरह से बक्सिनेटर ओब्लिक लाइन जहाँ पे बक्सिनेटर अटैच होती है उसके नीचे साइड से जाएंगे तो यहाँ पे फेशियल आर्टरी मिनिंजल ब्रांच और फेशियल नर्व भी अटैच होती है यहाँ से। तो इसी तरह से रैमस की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंडिबुलर नॉच, दो कॉन्डाइल प्रोसेस होते हैं कोरोनाइड प्रोसेस, और ये जो मैंडिबुलर नॉच है इट अलाउज मैंडिबुलर नर्व्स एंड वेसल्स। इसी तरह से यहाँ पे एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं मैंडिबुलर एंगल, एंड इन एन एडल्ट इट इज 110 टू 120 डिग्री एंड इन एन न्यू बॉर्न इट इज 140 डिग्री। अब यहाँ पे लेटर साइड से एक मसल अटैच होते हैं जिसको हमने बोला कि इस यहाँ से मैसेटर अटैच होता है, और लोअर साइड बॉडी से प्लेट सीमा, और यहाँ पे एक और मसल अटैच होते हैं जिसको हमने बोला था कि लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड मसल्स। तो ये था मैंडिबुल। अगर हम इंटरनल साइड से देखेंगे तो वहां पे माइलो